प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज आरक्षण समीक्षा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ प्रयागराज जोन के आईजी कवेंद्र प्रताप सिंह के फुलगेंद्र सिंह की हत्या के बाबत गिरफ्तारी न होने से संबंध में मुलाकात की और प्रयागराज के महुआइमा पुलिस की कार्य प्रणाली पर कड़ा एतराज भी दर्ज कराया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। एक घटना महुआइमा थाना अंतर्गत 8 तारीख को घटित हुई थी। फुलेंद्र सिंह से अपने घर पर वो सो रहे थे, गाँव में एकदम बीचों बीच गाँव में घर उनका है, सो रहे थे और कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग आए और 12:30-1 बजे अप्रॉक्सीमेटली और नृशंस हत्या कर दिया। उनके मार्ग सर पर इतना तगड़ा चोट मारा है कि वो PGI गए, लखनऊ गए, इतना पैसा रुपया उनका लगा, इलाज हुआ और उनके गत्तों मर गए। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो लगभग 1500 पब्लिक थी, तभी मैं समझ गया कि वह व्यक्ति असामान्य व्यक्ति, असामान्य सेंस ये है, इतना व्यवहार कुशल व्यक्ति, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बिल्कुल क्या बैकवर्ड क्या दलित, सारे लोग रो रहे थे, ऐसा व्यवहार कुशल व्यक्ति था। उसकी हत्या हो गई। अब हत्या हुई तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का स्थानीय पुलिस, महुआइमा का जो स्थानीय पुलिस है, उसका कोई इकबाल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। उस दिन भी हम लोग पहुँचे थे, आज भी आईजी साहब से मुलाकात किए हैं। आईजी साहब ने अभी मॉनिटरिंग करने के लिए गंगापार SP से बात भी किया है खुलासा करने के लिए, और ये हमने कहा कि खुलासा नहीं होगा तो जो कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में इलाहाबाद में इतना बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि समझ में आ जाएगा कि पुलिस प्रशासन को भी पुलिस वास्तव में काम करती है कि केवल टाल मटोल करती है। आज उनके परिवार के भी लोग आए हुए हैं, इसीलिए आईजी साहब से मेरी मुलाकात हुई। Thank you.